गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 टेंस एंड वंस में एडिशन कैसे करना है हम उससे आज समझेंगे। एडिशन नॉर्मली हम कर चुके हैं कि हम कैसे करते हैं, बट आज हमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एडिशन बाय यूजिंग कार्ड्स। ठीक, हमें कार्ड का यूज़ करके एडिशन यहाँ पे करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो 45 + 22। क्लियर मीन्स 45 में हमें क्या ऐड करना है, 22 ऐड करना है। आप लोगों ने कार्ड्स बनाए हैं, अब उन कार्ड्स का हमें यूज़ कैसे करना है हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं। हमने यहाँ पे नंबर्स को वंस एंड टेंस में सेपरेट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपने ब्लू कलर का जो कार्ड बनाया है वो वंस है, और आपने जो येलो कलर का कार्ड बनाया है वो टेंस है। मेरे पास येलो मार्कर नहीं था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रेड मार्कर से मेंशन किया है, बट आपने येलो कार्ड यहाँ पे बनाया होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे जब मैंने 5 और 2 को वंस पे लिख दिया और टेंस पे हमने 4 और 2 को यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमें इसे ऐड कैसे करना है हम उसे यहाँ पे देख लेते हैं। मीन्स यहाँ पे 4 और 5 45 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंस पे हमारा क्या है 4, तो हम यहाँ पे 10 कार्ड्स को ड्रॉ करेंगे। और हमें इसमें कितने ऐड करने हैं, 2 हमें इसमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे 2 कार्ड्स को हम और ड्रॉ करेंगे। ये सारे क्या हैं हमारे टेंस। टेंस में हम टी मेंशन करते थे जब भी हम नॉर्मली एडिशन करते थे, वंस के लिए ओ कर देते थे और टेंस के लिए टी कर देते थे। बट अभी हमने वंस के लिए यहाँ पे ब्लू कार्ड यूज़ किया जिसमें हमने 1 मेंशन किया है, और यहाँ पे हमने येलो कार्ड यूज़ किया जिसमें हमने 10 मेंशन किया है। येलो मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपको ये येलो कार्ड ही बनाना है, रेड नहीं बनाना है। मेरे पास रेड मार्कर है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रेड किया हुआ है। ओके, अब हमने इसको कर लिया। अब हम वंस पे चलते हैं, हमें 5 यहाँ पे करना है। 5 कार्ड हमने वंस का लिया। अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। 5 हमने ड्रॉ कर लिए वंस के कार्ड। अब हमें कितना ऐड करना है उसमें, 2 हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम इनको टोटल करते हैं कि हमने कितने नंबर्स यहाँ पे ऐड किए। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 था आपका। 2 कार्ड्स और हमने बनाए यहाँ पे जो 2 था। अब इनको हमको पूरा क्या कर लेना है, हमें इनको काउंट कर लेना है। तो अब हमने काउंट किया तो 5 ये थे, 6 7, मीन्स हमारा जो वंस का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। अब हम टेंस पे आते हैं। 1 2 3 4, 4 ये है हमारा, एंड 2 हमने और यहाँ पे ड्रॉ किया तो 4 ये, यहाँ पे 5 एंड ये 6। हमने इसको पूरा काउंट कर लिया, ये हमारा हो गया 6। क्लियर कि आपको कार्ड्स को कैसे यूज़ करके यहाँ पे करना है। हमारी कार्ड्स जो है वो टेंस को शो करेंगे और ये हमारे वंस की वैल्यू को शो करेंगे। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमें उसमें भी कार्ड्स को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा जो है सेकंड एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। हमने सेकंड एग्जांपल क्या लिया है, 34 + 15, मीन्स अब इसमें हमें ऐड करना है। हमने यहाँ पे वंस पे नंबर्स को मेंशन कर लिया और टेंस पे नंबर को पूरा मेंशन कर लिया। ब्लू आपका वंस है और रेड मीन्स येलो आपका टेंस है। क्लियर, अब हमें इनको कार्ड्स के थ्रू ऐड करना है। मीन्स टेंस प्लेस पे हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि 34 + 15 हमें करना है। तो हमने यहाँ पे 3 कार्ड्स को ड्रॉ कर लेना है, ये हमारे टेंस के कार्ड्स हो गए। अब हमें वंस के कार्ड्स को बनाना है जो कि
फोर है हमने यहाँ पे, वंस के कार्ड्स को भी ड्रॉ कर लिया। अब हमें फाइव कार्ड फिर से यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, मीन्स हमने इनको ऐड कर दिया वंस के सारे कार्ड्स को, तो हमारा आंसर क्या आ गया, नाइन। अब हमें क्या करना है, टेंस के कार्ड्स को ऐड करना है। थ्री हमने ड्रॉ किया था, वंस हमें और ऐड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे वंस ड्रॉ कर लिया। अब हम इन्हें काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर। सिंपल सा मेथड है, आपको कार्ड्स का यूज़ करके एडिशन करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना हो कि आपको कितने कार्ड्स वहाँ पे ड्रॉ करने हैं और कैसे ड्रॉ करने हैं। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 56 + 32। फर्स्टली हम लोग क्या करते थे, जब भी एडिशन करते थे नॉर्मली हम यहाँ यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके काउंट करके यहाँ पे मेंशन कर देते थे। बट अब हमें क्या करना है कि हमें अपना कार्ड्स यूज़ करने हैं, जो कि आपने ऑलरेडी पहले ही बना लिया है, उस कार्ड्स के थ्रू आप एडिशन करेंगे। अब यहाँ पे आपको लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कार्ड का यूज़ करिए और ऐसे ही आप एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कार्ड्स के थ्रू बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आपको कुछ चीज़ें जो है नहीं समझ में आ रही हैं इसमें, तो आप फिर से बोलिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको फिर से उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। बट कार्ड से आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं। ओके, तो मूव करते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे हमें वंस पे सिक्स और टू है, टेंस पे फाइव और थ्री है, तो हमें क्या करना होगा कि हम पहले टेंस को ड्रॉ करते हैं जो कि फाइव है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हम अपने वंस को ड्रॉ करेंगे, वंस हमारे पास क्या है, सिक्स है, ये हमने सिक्स वंस को भी ड्रॉ कर दिया। अब वंस में हमें कितना ऐड करना है, टू ऐड करना है, मीन्स हम क्या ड्रॉ करेंगे, टू वंस यहाँ पे हमने को ड्रॉ कर दिया। अब हम इसको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स प्लस टू सेवन एंड एट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स प्लस टू एट। नेक्स्ट हमारा टेंस, हम उसको काउंट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइव में हम थ्री और ऐड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मीन्स हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, फाइव प्लस थ्री का एट। ओके, ये आपका बहुत इजी मेथड है कि आप कार्ड्स के थ्रू कैसे एडिशन कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल नंबर फोर। ओके, एग्जाम्पल फोर हमारा क्या है, 48 + 37 = 27। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको वंस और टेंस में हमने इसको मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिया उसको आप बहुत केयरफुली समझिएगा, क्योंकि अभी तक एग्जाम्पल वन टू थ्री बहुत इजी था उसको ऐड करना, और यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू ऐड किया और यहाँ पे मेंशन कर दिया आंसर। बट अभी यहाँ पे जो हम कर रहे हैं उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार मैं और भी एग्जांपल आपको लेके समझा दूँगी, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आपको चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएं, फिर जब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा टेंस पे फोर एंड टू, वंस पे एट एंड सेवन, तो फर्स्टली हमें क्या करना हो, हम अपने वंस प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पे
ड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स 8 को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने 8s यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। हमने इसमें 1 नहीं मेंशन किया, हम इनको 1 यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने 7 को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ओके, अब हमें क्या करना है, हम 10s को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मीन्स हमारा जो 4 है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 हमने यहाँ पे 10s ड्रॉ कर ली। हमें उसमें 2 ऐड करना है, इसलिए हमने 2 और ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। हमने और यहाँ पे हम क्यों ड्रॉ करते हैं 2 या यहाँ पे 7, क्योंकि हमें ऐड करना है इसलिए हम उसको ड्रॉ करते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ पहले से, हम उसी में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे एडिशन करना है, तो हम एडिशन करना स्टार्ट करते हैं। हम अपने वंस को पहले ऐड करेंगे, वंस को हम ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा ऊपर वाला पोर्शन हो गया। अब नीचे वाला 1 2 3 4 5 6 7, 8 और 7 हमने प्लस किया तो 8 यहाँ पे, 9 10 11 12 13 14 15 15 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो 8 है और यहाँ का 2, मीन्स हम इसको एट प्लस टू हमारा क्या आ जाएगा, 10 हो गया। मीन्स जो 10 है वो हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, 10s में, क्योंकि ये कार्ड जब हमने ऐड किया वंस को तो ये हमें क्या मिला, 10 मिल गया। 10 मिल गया मीन्स हमारा 1 कार्ड बन गया 10 का, तो ये 10 जो है वो कन्वर्ट होके हमारे इस 10 में ऐड हो जाएगा, मीन्स हमारा 10s यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली समझिएगा, 8 यहाँ पे था, हमने 7 उसमें ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। अब 15 में अगर हम कार्ड बनाएं अपना 10s और 1s का, तो एक 10s बनेगा और एक 5 हमारा 1s बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जो ये 10s है हमारा, हम उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, 10s वाले प्लेस पे। ओके, तो यहाँ पे 8 प्लस 2 हमारा 10 हो गया, 10 हमारा 10s पे ट्रांसफ़र हो गया। अब हमारे पास क्या यहाँ पे बचेगा, 5। तो जब हम 8 प्लस 7 करेंगे तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5, और 10 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ट्रांसफ़र होके आया है तो हमने यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया, क्लियर। इसको हम ऐसे सर्कल में कर देते हैं कि ये हमारा ट्रांसफ़र होके आया है। अब हम इसको ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमारा 4 प्लस 2 होगा, बट 1 हमें और मिला है तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7, क्लियर। 4 प्लस 2 हमारा 6 हुआ था और प्लस हमने उसमें 1 कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, 7, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि हमें ये कैसे करना है। चलिए हम इस चीज़ से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, तो आई होप आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि आपको ये कैसे करना है। ओके, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 5। थर्टी एट प्लस ट्वेंटी
फोर, उसको हमने वंस एंड टेंस में यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हमें वंस के कार्ड्स ड्रॉ करनी होंगे, देन हम टेंस के कार्ड्स को ड्रॉ करेंगे। एट एंड फोर, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, फोर ड्रॉ करना है। वन, टू, थ्री एंड फोर। वन आप ज़रूर मेंशन करिएगा, वन लिखना बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, ओके, नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा कि आपने बनाया क्या है। सो अब हम इनको क्या करेंगे, हम टेंस के कार्ड्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। थ्री प्लस टू, वन, टू, थ्री एंड वन, टू। अब वंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हम इन्हें पूरा काउंट करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। जैसे ही हमारा यहाँ पे टेन कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे, टेंस को हम पूरा कंप्लीट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा जो वंस है, हमने काउंट किया वंस को, तो वो टेंस हो गया। और टेंस हमारा कहाँ पे आ जाएगा, टेंस वाले प्लेस पे हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर हो गए, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वन एंड टू, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे टू वंस यहाँ पे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा जो ये टेंस था वो कहाँ पे आ गया, टेंस के पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा एट प्लस फोर का, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टू है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू, और वन हमारा यहाँ पे कैरी हो गया। क्यों कैरी हो गया, क्योंकि हमारा जो यहाँ का टेंस है वो यहाँ पे आ गया, ये ब्लैक वाला आपको दिख रहा है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके आया है, ओके। तो अब हम टेंस को काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, प्लस वन और करेंगे हम इसमें तो क्या हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा, ओके। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल सिक्स, यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, सेवेंटी प्लस ट्वेंटी थ्री। तो हमने टेंस और वंस में इसको यहाँ पे मेंशन किया है, तो वंस पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ज़ीरो, मीन्स हमारे पास वहाँ पे कोई नंबर नहीं है, बट हमारे पास सेकंड नंबर पे यहाँ पे थ्री है, तो हम वंस पे थ्री यहाँ पे मेंशन करेंगे, थ्री काउंट्स करेंगे, वन, टू, थ्री, ओके। अब टेंस पे हमारे पास क्या है, सेवन एंड टू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, टू। क्योंकि यहाँ पे वंस पे ज़ीरो है, कोई भी नंबर नहीं है, तो हमारा जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा हमारा आंसर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, थ्री। एंड हम जब टेंस को काउंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। तो सेवन प्लस टू हमने किया तो क्या आंसर आ गया हमारा, नाइन, ओके। आई होप आप लोगों को सिंपल एडिशन कैसे करना है कार्ड से वो समझ में आ गया होगा,
और कैरी फॉरवर्ड आप जब कर रहे हैं तो वो आप एडिशन में कैसे करेंगे कार्ड्स के थ्रू, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और नॉर्मल अगर ज़ीरो है वंस पे वो आप कैसे करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।